रानी का सातवां दिन और आज मैं माता रानी के लिए बना रही हूँ साबूदाना बड़ा। उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी साबूदाना, इसे अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था 2 से 2.5 घंटा। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला इस तरह से साबूदाना हमारा बना है। और 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, 1 चम्मच जीरा, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ी सी 1/2 कटोरी मैंने मूंगफली रोस्ट कर ली थी उनका पाउडर बना लिया है वो ले लिया है, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक और हरा धनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक बड़ा साइज का बाउल ले लेते हैं, इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले ये साबूदाना, इसमें डालेंगे मूंगफली पिसी हुई, जीरा, अदरक, मिर्च, हरा धनिया, आलू लिए थे उनको हम ये सबसे छोटा वाला जो हमारे ये इस तरह के होल है इसमें इससे कद्दूकस कर लेते हैं इन आलू को, और इससे ही करेंगे क्योंकि इसमें जो है गांठ गांठ सी ना रहे और हमारे जो बड़े बनाए हम उसमें जो है बहुत अच्छा टेस्ट आए। और आलू डालने से क्या है इसका जो क्रंचीनेस है वो बढ़ जाता है। और मूँगफली हम इसलिए डालते हैं कि अगर हमारे साबूदाने में या आलू में ज़्यादा जैसे पानी थोड़ा सा रहता है तो वो सोख लेते हैं पूरा। तो इसी तरह से मैं कद्दूकस कर देती हूँ दोनों आलू। अब ये देखिए आलू भी अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच। चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सब चीज़ें, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से तैयार कर लिया और इसी तरह से मैं सब बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिए। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था, अब मैं इसमें एक एक करके डाल देती हूँ। और ये जो ऑयल है ना मैंने अभी तेज करा है, मतलब ज़्यादा तेज भी नहीं और थोड़ा सा मीडियम आँच पे रखा है जिससे कि हमारे जो बड़े हैं वो ऊपर से एकदम से गोल्डन ना हो। अब एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से, और ज़्यादा ठंडा ऑयल होगा तो ये हमारे ये बड़े हैं ना उतने अच्छे नहीं बनेंगे, तो इस तरह से एक एक करके डाल देते हैं इसमें। मैंने इसमें बड़े अपने डाल दिए हैं और अभी हम इनको नहीं वो करेंगे जब तक इसके ऊपर जो झाग झाग से आ रहे हैं ना ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, और तब उसके बाद हम इनको पलटेंगे। अब ये देखिए हमारे जो बड़े डाले थे उसके ऊपर के जो झाग हैं वो नीचे हो गए हैं। अब हम एक स्पून की मदद से इनको पलट देते हैं। और आप इस तरह से बनाएंगे ना तो हमारे जो बड़े या कटलेट हम जो भी बोल रहे हैं वो एक भी फटेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे क्रंची में बिल्कुल। आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि व्रत में हम इस तरह की रेसिपी बना रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा जैसे हम बिना व्रत के चटपटा खाते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन बना लेते हैं। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा व्रत है तो हम नॉर्मल तीखा वो फीका फीका खाना खाएं, तो व्रत में भी हम नई नई रेसिपी बना के उसका मज़ा ले सकते हैं जैसे हम नॉर्मल दिनों में लेते हैं। तो आपके लिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आऊँ और आपको अच्छा भी लगे और आपको ये भी फील ना हो कि हमारा व्रत है। तो अब इनको अच्छे से गोल्डन कर लेते हैं। अब ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो गए, मैं पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा और बिल्कुल भी कच्चे भी नहीं रहे। और आपको मैं स्पून की मदद से दिखाती हूँ, इनकी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कितने क्रंचीनेस इनमें है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमारे साबूदाना कटलेट बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की चटपटी मसालेदार व्रत वाली रेसिपी के साथ।